अभी मकर संक्रांति आने वाली है तो उसके लिए हम सबके घर में तिल गजक, सुखड़ी या फिर चिक्की बनती है और कभी कभी हम इसे मार्केट से भी लेके आते हैं। तो आज हम यहाँ पे बिल्कुल मार्केट जैसे ही पीनट चिक्की घर पे बनाएंगे और इसमें हम सिर्फ दो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके ये चिक्की बनाएंगे। तो चलिए मकर संक्रांति स्पेशल पीनट चिक्की बनाना स्टार्ट करते हैं। पीनट चिक्की बनाने के लिए मैंने 250 ग्राम जितने कच्चे मूंगफली के जो दाने आते हैं वो लिए हैं। तो इसे हम सबसे पहले ड्राई रोस्ट कर लेंगे। फ्रेंड्स, जब भी चिक्की बनाते हैं तो हमें यहाँ पे एक परफेक्ट मेज़रमेंट फॉलो करना है। मैंने इसे ग्राम में मेज़र किया है, आप घर की कोई भी एक कटोरी मेज़र करके भी ये मेज़रमेंट फॉलो कर सकते हैं। तो ये जो चिक्की है उसमें गुड़ और पीनट का जो रेशियो है वो एकदम सेम रहेगा। तो अभी मूंगफली के दाने अच्छे से ड्राई रोस्ट हो गए तो गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम प्लेट में ट्रांसफ़र कर देंगे। जैसे ही ये मूंगफली के दाने अच्छे से ठंडे हो जाएं, उसके बाद हम इसे इस तरह हाथों में रब करके इसके छिलके निकाल देंगे या फिर आप किचन टॉवल होता है उसमें रख के भी इसे मसल के इसके छिलके निकाल सकते हैं। अब इसमें जो छिलके हैं इसे हम निकाल देंगे। अब ये जो मूंगफली के दाने हैं इसे हम मैशर की मदद से थोड़ा सा ब्रेक कर लेंगे ताकि जो दाने हैं वो दो पार्ट में हो जाएं। अगर आप इसे रफली क्रश करके बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, लेकिन जब हम मार्केट से लेके आते हैं तो जो मूंगफली के दाने होते हैं वो इस तरह के होते हैं। चिक्की बनाने के लिए हम पैन में 250 ग्राम जितना गुड़ ऐड करेंगे। तो मैंने जो रेगुलर गुड़ आता है उसका ही इस्तेमाल किया है और इसे हमें इस तरह ग्रेट करके ही इस्तेमाल करना है ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए। अब इसे हम धीमी आँच पर मेल्ट कर लेंगे और 2 चम्मच जितना पानी ऐड करेंगे। ध्यान रहे कि हमें इसमें ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना है, सिर्फ 2 चम्मच जितना ही ऐड करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो गुड़ है वो धीरे धीरे मेल्ट होने लगा है। तो हमें यहाँ पे जो गुड़ होता है उसकी एक चाशनी बनानी है और इसे हमें धीमी आँच पर ही पकाना है। फ्रेंड्स, जब भी हम चिक्की बनाते हैं तो उसके लिए जो चाशनी होती है गुड़ की एक परफेक्ट होनी चाहिए। अगर ये कच्ची रहती है तो जब हम चिक्की खाते हैं तो दांतों में चिपक जाती है, तो इसीलिए हमें यहाँ पे एक परफेक्ट चाशनी बनानी है। तो मैंने कटोरी में थोड़ा सा पानी लिया है। अब हम गुड़ को चेक कर लेंगे कि इसकी जो चाशनी है वो परफेक्ट तरीके से बनी है या नहीं। तो गुड़ के 1-2 बूंद होते हैं इस तरह हमें पानी में ऐड करना है और फिर हमें चेक करना है। तो अभी इसके स्ट्रिंग बन रहे यानी कि जो चाशनी है वो परफेक्ट तरीके से नहीं बनी है। तो हम इसे फिर से 2 से 3 मिनट के लिए धीमी आंच पे पकाएंगे। तो हमें यहाँ पे इसे तब तक पकाना है जब तक कि ये जो गुड़ है वो एक क्रिस्टल जैसा बन के तैयार ना हो जाए। तो फिर से हम इसे थोड़ी देर के बाद पानी में ऐड करेंगे और उसके बाद हम चेक कर लेंगे। तो जब हम इसे पानी में ऐड करते हैं तो हमें इसे 1 मिनट के लिए बंद कर देना है गैस की फ्लेम। तो अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि गुड़ का स्ट्रिंग बन रहा है यानी कि हमारी जो चाशनी है वो परफेक्ट तरीके से नहीं बनी है। तो फिर से हम इसे 1 से 2 मिनट के लिए और पकाएंगे। अगेन हम इसे पानी में ऐड करके चेक कर लेंगे। तो ये जो चाशनी है वो परफेक्ट तरीके से बनना बहुत ही ज़रूरी है। तो अभी आप देख सकते हैं कि जो गुड़ है वो ब्रेक नहीं हो रहा है और इसकी एक भी तार की चाशनी नहीं बन रही, और जब आप इसे कटोरी में डालोगे तो क्रिस्टल जैसा आवाज़ आएगा। अब इसमें 1 चम्मच जितना घी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। घी ऐड करने से जो चिक्की है वो थोड़ी सी सॉफ्ट लगती है, क्रिस्पी तो बनती है लेकिन अच्छा सा टेस्ट आता है। और जस्ट पिंच ऑफ जितना बेकिंग सोडा, ध्यान रहे कि हमें इसमें ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं ऐड करना है, जस्ट पिंच ऑफ जितना। बेकिंग सोडा ऐड करने के बाद ये जो मिश्रण है गुड़ का वो एक फ्रोथी जैसा बन जाएगा। अब इसमें मूंगफली के दाने ऐड कर देंगे और गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और इसे हम जल्दी से मिक्स कर लेंगे। अगर ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसे अच्छे से रोल नहीं कर पाएंगे, तो ये जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी फास्ट करना है हमें। अब चॉपिंग बोर्ड के ऊपर हम हल्का सा घी अप्लाई कर लेंगे। आप चाहे तो इसे किचन सरफेस के ऊपर भी रोल कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसे चॉपिंग बोर्ड के ऊपर रोल करके प्रिपेयर कर रही हूँ। अब मैंने यहाँ पे हाथ में थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लिया था और उसके बाद हम इसे इस तरह प्रेस कर लेंगे और एक अच्छा सा स्क्वायर शेप दे देंगे। और जो बेलन है इसके ऊपर भी हम थोड़ा सा घी अप्लाई कर लेंगे ताकि जो मिश्रण है वो इसके ऊपर चिपक ना जाए, और इसे हम स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में इस तरह रोल कर लेंगे।
और इसकी जो साइड से इसे भी हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे ताकि ये अच्छे से एक रेक्टेंगल शेप में आ जाए। अब इसे हमें गर्मा गर्म पीसीस में कट करना है, अगर ये ठंडा हो जाएगा तो अच्छे से पीसीस में कट नहीं होगा, तो इसे हम स्क्वायर शेप में कट कर लेंगे। अब 15 से 20 मिनट के लिए हम चिक्की को ठंडा होने देंगे और उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी मकर संक्रांति स्पेशल पीनट चिक्की बनके तैयार हो गई है। सिर्फ दो इंग्रेडिएंट से बनती है और बिल्कुल मार्केट से लेके आते वैसी ही घर पे बनती है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को मकर संक्रांति पे ज़रूर बनाइएगा, हेल्दी भी है। जब हम मार्केट से ये चिक्की लेके आते हैं तो उसमें गुड़ के साथ शुगर और लिक्विड ग्लूकोज भी ऐड किया होता है, लेकिन जब हम घर पे बनाते हैं तो एकदम फ्रेश बनती है और इसमें ओनली गुड़ से बनाते हैं तो हेल्दी भी रहती है। तो आप इस रेसिपी को मकर संक्रांति पे ज़रूर बनाइएगा। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मार्केट जैसी ही घर पे बनी है। तो अब इसे हम सर्व कर लेते हैं। इस चिक्की को आप एयरटाइट कंटेनर में भर के इसे 1 से 1.5 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। जब भी आप इसे स्टोर करते हैं तो इस तरह आपको पहले बटर पेपर रखना है और उसके बाद आपको चिक्की रखना है और फिर से आपको बटर पेपर रखना है और इसके ऊपर चिक्की रखना है। ऐसा करने से जो चिक्की है वो चिपक नहीं जाएगी और अच्छे से स्टोर कर पाएंगे हम। तो आप देख सकते हैं कि जो चिक्की है वो कितनी क्रिस्पी बनी है और टेस्टी भी लगती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा। अगर आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसी ही एक आसान सी रेसिपी के साथ दोस्तों।